नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज और मैं हूं आपके साथ एसपी रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से। शक्ति गंगवार बनी एक दिन की डीएम, मोनिका ने संभाली एसपी की कमान, फरियादियों की लगी लाइन। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में सबको न्याय सबको सम्मान कार्यक्रम के तहत आज होनहार स्टूडेंट शक्ति गंगवार ने डीएम व मोनिका शुक्ला ने एसपी के पद का कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। जनपद बरेली में छात्रा कुमारी शक्ति गंगवार को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया, वहीं मोनिका शुक्ला को एसपी की जिम्मेदारी दी गई। जिलाधिकारी बरेली का चार्ज लेते ही फरियादियों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में सर्वप्रथम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर नगीना बेगम पूर्व प्रधान अपने पति बसपा नेता तौफीक प्रधान के साथ जिलाधिकारी कुमारी शक्ति गंगवार के समक्ष पेश हुई और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया। उनका कहना था कि उनका फार्म हाउस जंगल क्षेत्र में है और उनका ढाबा भी जंगल क्षेत्र में है, ज़्यादा रंजिश के कारण उनको अपनी जान का खतरा बना हुआ है, परिवार उनका सुरक्षित नहीं है, 3 बार उन पर हमला हो चुका है। असलहे के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था परंतु लाइसेंस न मिलने से पीड़ित परिवार दुखी है और आज उसने अपनी फरियाद एक दिन की जिलाधिकारी के समक्ष रखकर अपने परिवार के लिए सुरक्षा के साथ ही असलहे के लाइसेंस दिलाए जाने की गुहार लगाई, जिस पर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया कि आपकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान कई आला अधिकारी मौजूद रहे, देखें विशेष रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले महीने से महिला सशक्तिकरण के लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसी के अंतर्गत एक नायका इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो 10वीं 12वीं की टॉपर हैं, उनको एक दिन के लिए SSP या जिलाधिकारी या CDO के पद पर आसीन किया जा रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर जो छात्राएँ हैं, जो 12वीं की टॉपर हैं, उनको यहाँ पर SSP के पद पर एक दिन के लिए सुशोभित किया गया है। और ये जो खासकर महिला संबंधी जो अपराध हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुन रही है और देख रही है कैसा उनका निस्तारण पुलिस के द्वारा किया जाए।